हेलो एवरीवन कैसे हो आप सभी लोग हाउ इज एवरीथिंग गोइंग ऑन दिस इज चमन कुमार लार्ट एंड आई हैव माई माय बीटेक फ्रॉम एन आई टी और विद फोर प्लस इयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस इन मैथमेटिक्स एंड आई हैव मैंटेड मेनी स्टूडेंट्स फॉर आई टी जी तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन ज़्यादा समय आपका यार ज़ाया नहीं करूँगा बहुत सारी चीज़ें बताना बाकी है तो बात करूँगा मैं अकेडमी के प्लस के बारे में तो सी एच एम एन मेरा रेफरल कोड है यूज़ करेंगे तो यहाँ पर आपको टेन का डिस्काउंट मिलेगा चमन कोड जरूर से जरूर यूज करें आइकॉनिक पे भी सी एच एम ए एन मेरा रेफरल कोड है यूज करेंगे तो टेन परसेंट का आपको यहाँ पे भी डिस्काउंट मिल जाएगा सी एच एम ए एन जरूर यूज करें चमन कोड जरूर यूज करें प्लस और आइकॉनिक के बारे में कुछ चीजें मैं आपके साथ यार शेयर करना चाहता हूँ वो चीज ये है कि प्लस पे आपको लाइव क्लासेस मिल जाएगी वीकली टेस्ट मिल जाएगा स्ट्रक्चर कोर्सेस मिल जाएगा अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाएगा आइकॉनिक पे आपको पर्सनल गाइडेंस मिल जाएगा स्टडी प्लानर मिल जाएगा स्टडी मटेरियल एक्सपर्ट की गाइडलाइंस टेस्ट एनालिसिस सारी चीज़ें आपको यहाँ पे कंप्लीट मिल जाएगी प्लस और आइकॉनिक के बारे में आपको यहाँ पे सारी चीज़ें कंप्लीट मिल जाएगी आस्क डाउट वाले ऑप्शन पे क्लिक करें अपलोड करें पिक्चर को डाउट को क्रॉप करें सब्जेक्ट को सिलेक्ट करें स्ट्रेट इंस्टेंट सोल्यूशन आपको मिल जाएगा कहीं पे भी आपको कोई भी चीज़ को लेकर दिक्कत नहीं आएगी मेगा कॉम्बो है आई टीजे प्लस सी बी एस ई का तो प्लस सब्सक्रिप्शन बारह महीने के सब्सक्रिप्शन पे आपको पंद्रह प्लस दस पच्चीस परसेंट का डिस्काउंट मिलने वाला है और चौबीस महीने के सब्सक्रिप्शन पे आपको बीस प्लस दस सेंट का डिस्काउंट मिलने वाला है कोड आपको एक ही यूज करना है सी एच एम ए एन ठीक है कोड आपको यहाँ पे एक ही यूज करना है ऑफर वैलिड फॉर कॉम्बो सब्सक्रिप्शन आई आई टी जेई प्लस सी बी एस ई ठीक है चमन कोड यूज करना ना भूलें यहाँ पे वापस से लिख देता हूं मैं बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्लीज यूज किया कीजिए जरूर से जरूर आपको भी अच्छा लगेगा मुझे भी अच्छा लगेगा सबको अच्छा लगेगा ठीक है अनअकैडमी अकेडमी चैंपियंस एक और इंपॉर्टेंट चीज हाँ प्राइजेस राइज हो चुके हैं फर्स्ट अक्टूबर से आज फर्स्ट अक्टूबर है आज से प्राइस राइज हो चुका है तो जो नया प्राइस है चौबीस महीने के सब्सक्रिप्शन का प्राइस पहले छप्पन हजार था अभी इकसठ हज़ार सौ हो गया बारह महीने के सब्सक्रिप्शन का अभी अड़तीस हजार पाँच सौ है बयालीस हजार तीन सौ पचास हो जाएगा ठीक है सारा चीज बताऊंगा 6 महीने का सब्सक्रिप्शन में अट्ठाईस हज़ार था पहले अभी तीस हजार आठ सौ हो गया तीन महीने का पहले सत्रह पाँच सौ था अभी उन्नीस दो सौ पचास हो गया इसलिए कह रहा था मैं आपको कल तक ले लेते सब्सक्रिप्शन आज से प्राइस बढ़ रहा है कोड आपको एक ही यूज़ करना है सी एच एम ए एन जरूर से जरूर यूज़ करें ठीक है रुक जाओ बताऊंगा यार काम तो कर लेने तो पहले बता देने दो कुछ उसके बाद मैं खुद बताऊंगा भाई ठीक है अभिषेक जी अन अकेडमी चैम्पियंस अन अकेडमी वॉन्ट्स टू टेक दिस चांस टू गिव बैक टू इट्स सो जितने भी टू जीरो टू वन वाले एस्पिरेंट्स हैं और जो भी बच्चे फर्स्ट ऑगस्ट टू जीरो टू वन से पहले सब्सक्रिप्शन लिए हैं और अगर वो टू जीरो तो ना इंपॉर्टेंट कोड है इसको कभी ना भूलें ठीक है चलो बहुत बढ़िया एकदम सही एकदम गजब ठीक है तो यार अभी आज का हमारा जो टॉपिक है हाउ टू हैव ए डेली रूटीन रूटीन कैसे बनाना है ये टॉपिक मेजरली ये टॉपिक ये जो टॉपिक है ये मेजरली अभी जो क्लास इलेवेंथ वाले बच्चे हैं उनके लिए है क्लास ट्वेल्थ वाले बच्चे हैं उनके लिए है और जो ड्रॉपर हैं उनके लिए हैं कल मैंने रात को कल नहीं अभी थोड़े दिन बाद आपके लिए एक सेशन आने वाला है जहाँ पे आपके जो ड्रॉप वाले हैं ना जो जई मींस टू जीरो टू टू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो अपना रूटीन कैसा बनाए आज का हमारा मेजर पॉइंट ऑफ डिस्कशन होगा क्लास इलेवेंथ वाले क्योंकि क्लास इलेवंथ वाले शुरू कर रहे हैं जेई के लिए पढ़ना उनको ठीक से पता नहीं है कैसे मैनेज करना है चीज़ों को वो घबरा जाते हैं वो ढीले हो जाते हैं वो चीज़ों को स्किप करने लगते हैं वो चीज़ों को छोड़ने लगते हैं वही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है आज के डेट में सबसे बड़ा इशू यही है क्लास इलेवेंथ और क्लास ट्वेल्थ वालों के लिए सबसे बड़ा इशू यही है समझ में आ रहा है तो क्लास इलेवेंथ और क्लास ट्वेल्थ वालों के लिए सबसे बड़ा इशू यही है तो इस इशू को सही करना है तो मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको करना है सबसे पहली बात अगर आप क्लास इलेवेंथ में हैं तो सीधी सी बात आपको एक चीज सीखने को यह मिल जाएगी ठीक है सीधी सी बात आपको एक चीज सीखने को मिल जाएगी कि आपके दिन की तो तीन क्लास होगी ही होगी शुरुआत शुरुआत में दो क्लास हो रही होगी अभी तीन क्लास हो रही होगी सारा चीज़ पता चल जाएगा अभिषेक बेटा प्लीज थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए अगर आप आए हैं क्लास देखने तो ध्यान से देखिए सारा चीज़ बताऊंगा आप ये बोलेंगे कि पहले ये बताओ पहले वो बताओ मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा जो मैं प्लान करके आया हूँ वो नहीं बता पाऊंगा सारा चीज़ बताऊंगा महीने की शुरुआत है अच्छी चीज़ें बताऊंगा प्लीज आप कोऑपरेट कीजिए मेरे साथ तो टोटल कितनी क्लासेस है तीन क्लास होगी क्लास ट्वेल्थ में आपकी तीन से चार क्लास होगी और ड्रॉपर में आपके तीन से चार या पांच क्लास होगी ये नंबर ऑफ क्लासेस हैं आपके ये नंबर ऑफ क्लासेस हैं आपके समझ में आ रहा है तो क्लास इलेवेंथ वालों की दो से तीन क्लास होती है ट्वेल्थ वालों की तीन से चार क्लास और ड्रॉपर की तीन से चार क्लास या फिर चार से पांच क्लास ठीक है समझ में आ रहा है ये सिस्टम है अब मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूंगा आपके एक क्लास की टाइमिंग एक घंटा बीस मिनट होती है अप्रोक्सीमेटली मतलब अगर आप दो से तीन क्लास करते हैं तो आप अप्रोक्सीमेटली चार घंटे तो आपकी क्लास हो जाएगी उन क्लासेस के बीच में आपका थर्टी मिनट का रेस्ट हो जाएगा तो साढ़े चार घंटे की मान लो आप क्लास कर रहे हो साढ़े चार आवर की मान लो आप क्लास कर रहे हो कितने घंटे की क्लास कर रहे हो साढ़े चार घंटे की आप क्या कर रहे हो क्लास कर रहे हो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी साढ़े चार घंटे की आप यहां पे क्लास कर रहे हो यहां पे आप साढ़े पांच से लेकर छह घंटे की क्लास कर रहे हो साढ़े पांच से लेके घंटे की क्लास कर रहे हो और यहां पे आप छह घंटे तक की क्लास तो कर ही रहे हो जिस दिन पांच क्लास हो गई उस दिन तो लिमिट ही पार हो जाता है शरीर थक जाता है लेकिन ड्रॉपर वालों के लिए भी अप्रोक्सीमेटली तीन से चार क्लास होती ही है चार क्लास करते ही है क्योंकि कोर्स भी खत्म करना है तो मान लो यहाँ पे आप छः घंटे की क्लास तो कर ही रहे हो अब मैं आपको ये कहना चाहता हूं आप जितने घंटे की क्लास कर रहे हो जितने घंटे की आप क्लास कर रहे हो उसमें आप दो घंटा और जोड़ा करो दो घंटा और जोड़ो रूटीन में बताऊंगा शुरू से लेकर एंड तक कैसे रूटीन मेंटेन करना है सुबह कब उठना है क्या करना है, है? कंटिन्यू सारी चीजें बताऊंगा फॉलो आपको करना है बताना मेरी बात है मैं आपको बस अभी पहले आवर्स बता रहा हूं चार से साढ़े चार घंटे की आप क्लास कर रहे हो मेरा बस ये कहना है कि दो घंटे आपका रिवीजन होना चाहिए क्या रिवाइज होना चाहिए आपका जो क्लास में पढ़ाया है ये दो घंटे को आप और भी कम कर सकते हो अगर आप क्लास में ज्यादा ध्यान से सुनोगे अगर आप क्लास में बहुत ही ध्यान से सुनोगे तो आपको दो घंटा थोड़ी लगेगा उसको वापस से रिवीजन करने में अगर आप क्लास में ध्यान से सुनोगे ध्यान से समझोगे ध्यान से क्वेश्चन करोगे तो क्या आपको दो घंटे लगेंगे वापस से वही चीज को पढ़ने में आपको दो घंटे लगेंगे क्या नहीं लगेंगे क्यों वही चीज को पढ़ने में आपको वापस से दो घंटे लगेंगे नहीं लगेंगे समझ में आ गया सिमिलर केस यहां जा रहा है क्लास ट्वेल्थ के बारे में मैं यही बोलूंगा दो घंटे आपको अलग से रिविजन के लिए निकालने हैं देखो सीधी सी बात है अगर आप क्लास में ध्यान से नहीं सुनोगे अगर आप क्लास में ध्यान से फोकस नहीं करोगे तो आप जब रिविजन करने बैठोगे एक तो आप कंफ्यूज हो जाओगे अरे यार, यार ये क्या बताया था सर ने ये वाला क्वेश्चन कैसे हुआ ये वाला कॉन्सेप्ट कैसे आया इसलिए क्लास में सुनना और क्लास में डाउट पूछना आवश्यक है अनिवार्य है समझ में आ रहा है ना हिंदी में बोलो तो अनिवार्य है आवश्यक है क्लास में आप अपना सारा चीज क्लियर करो जब कोई क्लास खत्म होती है तो उस क्लास में जो भी चीज़ पढ़ाई हुई है आप क्लास के एंड में आपको ये पता होना चाहिए कि भाई ये सारी चीज़ मेरी क्लियर है ताकि जब आप रिवीजन करने बैठो तो वो आपसे इतना स्पीड मैं सच बता रहा हूँ डेढ़ घंटे की क्लास का रिवीजन आपको पंद्रह मिनट में हो जाएगा तीन से चार क्लास का रिवीजन आप एक घंटे में कर सकते हैं मैं ये दो घंटा यहाँ पे आपको मैं दे रहा हूँ फिर भी उसके बाद अलग से मिनिमम पाँच घंटे मिनिमम पाँच घंटे आपको क्या करना है क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस मतलब क्या होमवर्क भैया आपका होमवर्क क्वेश्चन प्रैक्टिस ही आपका होमवर्क है तो मिनिमम पाँच घंटे आपको ये करना है भैया चाहे कुछ भी हो जाए दुनिया पलट जाए कुछ भी हो जाए मिनिमम पाँच घंटे आपको क्या करना है क्वेश्चन प्रैक्टिस और होमवर्क करने हैं आपको टोटल चाहे आप ड्रॉपर हैं चाहे आप क्लास एलेवंथ वाले हैं चाहे आप क्लास ट्वेल्थ वाले हैं आपको नेट 12 से 13 घंटे निकालने हैं ड्रॉपर वालों को तो मस्ट निकालना पड़ेगा क्लास ट्वेल्थ वालों को मस्ट निकालना पड़ेगा क्लास इलेवेंथ वालों को भी निकालना पड़ेगा क्यों क्लास इलेवंथ वाले सोच रहे होंगे सर हमारा तो अभी इलेवेंथ है हम थोड़ा रिलैक्स करेंगे नहीं आप अभी रिलैक्स करो देखो अगर, अगर आप निकाल सकते हो बारह से तेरह घंटा आप इजिली निकाल सकते हो मैं आपको बताऊंगा आप कैसे निकालोगे बारह से तेरह घंटे निकालना कैसे है मैं आपको बताऊंगा चौबीस घंटे में से आप तेरह घंटा निकाल लोगे आपको पता भी नहीं चलेगा आप उस तेरह घंटे निकालने के बाद भी आप सब कुछ कर लेंगे समझ में आ रहा है समझ में आ रहा है आप सब कुछ कर लेंगे मतलब आप फैमिली के टाइम फैमिली के साथ टाइम भी स्पेंड कर लेंगे रिलैक्स भी कर लेंगे रेस्ट भी कर लेंगे टहल भी लेंगे रिलैक्स करेंगे माइंड को फोकस भी कर सकते हैं आपको पूरा टाइम मिलेगा पूरा टाइम ये बारह से तेरह घंटा निकालने के बाद मैं आपका टाइम टेबल बनाऊंगा लेकिन आपको एक चीज ध्यान रखना है आप क्लास चाहे इलेवेंथ में हो ट्वेल्थ में हो ड्रॉपर में हो आपको बारह से तेरह घंटे निकालने हैं आपको ढीला नहीं पढ़ना है अगर आप क्लास इलेवेंथ में हो आपके पास दो साल है दो साल ढीला मत पढ़ो सक्सेस तुम्हारे पास आएगी किस्मत पलटेगी अगर तुम आप एक चीज नोटिस करते हो हर बार जाइएगा कट ऑफ एक सौ क्यों जाता है या अस्सी नब्बे के आसपास क्यों जाता है क्यों जाता है कट ऑफ डेढ़ सौ क्यों नहीं जाता है क्यों क्योंकि सब वैसे ही हैं पंद्रह लाख बच्चे दे रहे हैं मुश्किल से तीन चार लाख बच्चे ही मेहनत करते हैं बाकी सब ऐसे ही हैं कोई मेहनत नहीं करता है सब रिलैक्स कर रहे होते हैं सब चिल मार रहे होते हैं तो ये चीज़ नहीं कर रहा है अपने को समझ में आ रहा है तो बारह से तेरह घंटे आपको देने हैं बारह से तेरह घंटे आपको देने हैं ठीक है छः घंटा आपका एक्स्ट्रा पाँच घंटा का आपको क्वेश्चन करना है ब्रिजेश शर्मा जी हेलो कैसे हैं आप दो घंटे का आपको रिविजन में दे रहा हूँ चार से पाँच घंटे की आपकी क्लास रहेगी ठीक है अब मैं आपको एक रूटीन बताऊंगा कि आपको 12 से 13 घंटे निकालने कैसे हैं आपको 12 से 13 घंटे निकालने कैसे है? ये रूटीन मैं आपको बताऊंगा ध्यान से सुनिएगा एकदम शुरू करेंगे और एंड करेंगे ठीक है एकदम शुरू करेंगे एंड करेंगे मैं आपके सोने से चालू कर रहा हूँ मैं हमेशा बच्चों को यही कहता हूँ बारह बजे तक रात को सोना अनिवार्य है सीख जाओगे तो बहुत अच्छी बात है बारह से पहले सो सकते हो बहुत अच्छी बात है लेकिन बारह बजे मैक्सिमम टाइम है ट्वेल्व बारह बजे क्या है मैक्सिमम टाइम है इसके बाद नहीं सोना है एक बजे दो बजे तीन बजे नहीं सोना है बारह बजे सो जाओगे बहुत अच्छी चीज है दस बजे सो जाओ बहुत अच्छी बात है ग्यारह बजे सो जाओ बहुत अच्छी बात है बारह बजे सो जाओ बहुत अच्छी बात है बारह आपका मैक्स होना चाहिए मतलब बारह बजते ही आप चाहे कुछ भी हो किताब बंद करके सो जाओगे माई नेम इज चमन कुमार लाट ठीक है बारह जैसे ही बजेगा आपको किताब बंद करना है सो जाना है चाहे कुछ भी हो कोई कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो कोई थ्योरी पढ़ रहे हो कोई क्वेश्चन कर रहे हो नहीं बारह बजे आपको मैक्सिमम सो जाना है और आप सोएंगे कितना देर छः से सात घंटे तक के लिए सोएंगे आप सिक्स टू सेवन आवर मैक्स सिक्स आवर मिनिमम सेवन आवर मैक्सिमम इससे ज़्यादा आपको नहीं सोना है इससे ज़्यादा आपको नहीं सोना है सात घंटे बहुत होते हैं बारह बजे सो के सुबह सात बजे उठोगे बहुत होते हैं सच बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा होते हैं सच बता रहा हूँ लिटरली बहुत ज़्यादा होते हैं छः से सात घंटे बहुत ज़्यादा होते हैं छः घंटा मिनिमम सोइए क्योंकि उससे कम सोएंगे तो आपको नींद आएगी पूरे दिन सात घंटा मैक्सिमम सोएं क्योंकि उससे ज़्यादा सोएंगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा साथ ही साथ आपको नींद भी आएगी तो छः से सात घंटे सोने के बाद मैं ये मान के चलता हूँ आप सुबह सात बजे उठ रहे हैं सुबह सात बजे उठ रहे हैं आप सुबह छः से सात बजे के बीच में आप उठ रहे हैं ठीक है उठने के बाद आपको क्या करना है उठने के बाद जो आप करते हैं आपकी बेसिक क्रिया ब्रश फ्रेश होना जिसको नहाना है नहा सकते हैं जिसको नहीं नहाना है आप बाद में नहा सकते हैं हमको कोई कोई इश्यू नहीं है ब्रश कर लिए फ्रेश हो गए उसके बाद आपको क्या करना है उसके बाद आपको कुछ ड्राई फ्रूट्स खाने हैं ड्राई फ्रूट्स में क्या आता है भाई बादाम हो गया किशमिश हो गया अखरोट हो गया ये सारी चीज़ों को पानी में भिगो के खाओ इससे क्या होगा इससे क्या होगा बॉडी और शांत होगा बॉडी में और पीस बनेगी बॉडी और मेटाबॉलिज्म उसका फास्ट होगा बहुत सारी ड्राई फ्रूट्स का बहुत सारा बेनिफिट्स है ठीक है ब्रश करें फ्रेश हुए ड्राई फ्रूट्स खाए उसके बाद आपको क्या करना है दस मिनट का एक मेडिटेशन करना है टेन मिनट्स का एक मेडिटेशन करना है आपको मेडिटेशन करते करते सो मत जाना इसलिए बोल रहा हूँ पहले ब्रश करो फ्रेश हो जाओ ड्राई फ्रूट्स खा लिया फिर दस मिनट का एक मेडिटेशन करना है आपको इससे क्या होगा पीस ऑफ माइंड जनरेट होगा अगर मेरे पास दो बच्चे हैं दोनों को मैं बोलूँगा एक एक घंटे तक ये चैप्टर पढ़ो एक बच्चे को बहुत अच्छे से याद होगा एक बच्चे को थोड़ा कम याद होगा क्यों क्योंकि एक बच्चे का कंसंट्रेशन लेवल बहुत अच्छा है एक बच्चे का कंसंट्रेशन लेवल थोड़ा कम है उस बच्चे का जिसका कंसंट्रेशन लेवल अच्छा है वैसा अगर तुमको कंसंट्रेशन लेवल चाहिए तो दस मिनट मेडिटेट करो दिमाग को शांत करो दिमाग को पीस करो पीस दो दिमाग को शांति दो है ना दिमाग में जोर मत डालो सुबह सुबह दिमाग में जोर मत डालो दस मिनट मेडिटेट करो ठीक है दस मिनट मेडिटेट करो समझ में आ गया आपको समझ में आ गया आपको दस मिनट मेडिटेट करो ठीक है समझ में आया क्लियर है अब क्या करेंगे अब क्या करना है अब क्या करना है सर अब क्या करना है समझ में आ रहा है दस मिनट मेडिटेट करने के बाद आपको क्या करना है दस मिनट मेडिटेट करने के बाद आपको क्या करना है दस मिनट मेडिटेट करने के बाद मैं आपको बस इतना कहता जाता हूँ आठ बजे तक आठ बजे तक आपको पढ़ना चालू कर लेना है सात से आठ आपको टाइम दे रहा हूँ मैं साढ़े से आठ लेना है आपके ऊपर है आपके ऊपर है ठीक है ये सब नहीं होता है भाई ये चार घंटा सोना ये सब बेकार बातें हैं मैं सच बता रहा हूँ छः से सात घंटे की नींद बहुत ज़रूरी है आप चार घंटे सोइए आपको पूरे दिन नींद आएगी ये सब मत करो दिमाग खराब हो जाएगा शरीर खराब हो जाएगा आंखें में झरिया पड़ने लगेंगी बाल झड़ने लगेंगे ये सारी चीजें मत करो डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो जाएगा योर बॉडी नीड सिक्स आवर्स ऑफ स्लीप एंड मैक्सिमम सेवन आवर्स ऑफ स्लीप चलें किसी को कोई डाउट कोई दिक्कत है तो बताइए समझ में आ रहा है ये चीज़ को समझो दिमाग में समझो ये चीज़ को क्लियर है तो आठ से ले कर नौ बजे तक ये सब चीज़ क्यों दिमाग में लाते हो भाई ये चार घंटा सोना ये सब बेकार बातें हैं प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू मत कीजिए ऐसा छः घंटे सोइए आपके पास उतना समय है आप निकाल सकते हैं आठ से ले कर नौ आप एक घंटा पढ़ाई करेंगे अभी यहाँ पे आठ से ले कर नौ आप एक घंटा पढ़ाई करेंगे एक घंटा पढ़ाई करने के बाद आठ से ले कर नौ एक घंटा पढ़ने के बाद क्या होगा आपके साथ आठ से ले कर नौ एक घंटा पढ़ने के बाद आपको क्या करना है आठ से ले कर नौ एक घंटा पढ़ने के बाद आपको क्या करना है ये चीज़ बता दो मुझे क्या करेंगे आठ से नौ एक घंटा पढ़ने के बाद आप नौ बजे क्या करेंगे नाश्ता करेंगे नौ से ले कर नाइन थर्टी यह आपका नाश्ते का टाइम है यहाँ पे आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा आप आराम से रिलैक्स करके नाश्ता करेंगे मैं हमेशा आपको सुबह जल्दी उठ के चालू होने के लिए इसलिए बोलता हूँ क्योंकि जब आप सुबह जल्दी उठ जाते हो सबसे पहली बात सबसे पहली बात जब आप सुबह जल्दी उठ जाते हो आपके घर में सब कोई बिजी होते हैं मम्मी बिजी रहती है पापा बिजी रहते हैं बहन बिजी रहती है भाई बिजी रहता है सब कोई बिजी रहते हैं सब अपने अपने काम पे बिजी रहते हैं किसी के पास खाली टाइम नहीं है कि आपके पास आपके साथ आके टाइम पास करें तो so, तब क्या होगा आप आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला होगा नहीं या आपके साथ कोई टाइम स्पेंड करने वाला होगा नहीं या आप, आपके साथ कोई बात करने वाला होगा नहीं तो तब आप क्या कर लोगे ज्यादा मेहनत कर लोगे शुरू सुबह के टाइम पर आप ज़्यादा मेहनत कर लोगे शाम को जैसे ही क्या होता है मम्मी थोड़ा बहुत फ्री हो जाती है रात का खाना बना के रिलैक्स हो गई या फिर जॉब से आके फ्री हो गए मम्मी पापा दोनों फ्री हो गए बहन का स्कूल उल, ट्यूशन व्यूशन खत्म हो गया है भाई का स्कूल ट्यूशन खत्म हो गया है सब चीज रिलैक्स मोड में आ गया है अभी क्या है घर वाले एक दूसरे के साथ रिलैक्स कर रहे हैं तो आपका भी मन करेगा कि यार मैं भी अपने पेरेंट्स के साथ रिलैक्स करूँ तो तब क्या होगा आपके पास ऑप्शन रहेगा टू रिलैक्स अब तब आपके पास ऑप्शन रहेगा टू इन्वेस्ट योर टाइम अपार्ट फ्रॉम स्टडी कहीं और आप इन्वेस्ट करना चाहेंगे इसीलिए मैं कह रहा हूँ शाम को आपकी पढ़ाई फिर क्या होगी धीरे धीरे कम होने लग जाएगी कोई टीवी देख रहा होगा कोई कुछ कर रहा होगा कोई कहीं गया होगा कुछ भी हो रहा होगा घर में कोई बैठ के बातचीत कर रहा है मस्ती मजाक हो रहा है क्योंकि सुबह सुबह ये चीज़ नहीं होती सुबह सुबह सब अपने अपने काम पर जाते हैं शाम को ये सारी चीज़ें होती है जब आप सब सब थक हार के आ जाते हैं तो तब तुम्हारा भी मन करेगा तो शाम को तुम्हारी थोड़ी पढ़ाई कम होगी इसीलिए मैं कहता हूँ सुबह अपना पढ़ाई का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन लाया करें सुबह मैक्सिमम पढ़ाई करें जितना हो सकता है सुबह पढ़ें ठीक है इस साढ़े नौ बजे के बाद से इस नाइन थर्टी से लेके आपको कम से कम साढ़े नौ साढ़े दस साढ़े ग्यारह साढ़े बारह साढ़े एक एट थर्टी पी एम तक नाइन थर्टी एम से लेके कर एट थर्टी पी एम तक आपको क्या करना है लंच करना है साढ़े नौ से साढ़े एक तक आपको क्या करना है लंच करना है ये चीज़ आपको समझ में आओ समझ में आ जाना चाहिए साढ़े नौ से साढ़े साढ़े नौ से साढ़े एक तक आपको क्या करना है अरे पढ़ाई करना है पढ़ाई के बाद लंच होगा आपको क्या करना है पढ़ाई करना है साढ़े नौ से साढ़े एक तक आपको क्या करना है पढ़ाई करना है उसके बाद वन थर्टी टू टू थर्टी ये आपका क्या है लंच प्लस रेस्ट मैं आपको सब बोल रहा हूँ ना मैं ऐसा टाइम टेबल बना के दूंगा आप बोलोगे सर यहाँ तो मेरे को रेस्ट भी मिल रहा है सब कुछ मिल रहा है मेरे साथ सब कुछ हो रहा है मेरे को रेस्ट भी मिल रहा है मेरे को फ्री टाइम भी मिल रहा है सारी चीज़ें हो रही है तो अब यहाँ पे आपका लंच प्लस रेस्ट आ जाएगा डे एक घंटा आपको क्या करना है लंच करना है रेस्ट करना है सारी चीज़ें करनी है ये एक घंटा आपके हैं ये एक घंटा आपका है रिलैक्स कर सकते हो मैं बस इतना कहना चाहता हूँ टी वी फोन से दूर रह सकते हो तो अच्छी बात है नहीं रह सकते हो तो थोड़ा थोड़ा यूज़ किया करो ज़्यादा नहीं उससे दिमाग डाइवर्ट होता है तो एक घंटा आप रेस्ट कर सकते हो इस एक घंटा में अगर आपको रेस्ट नहीं भी करना है आप आधा घंटा दस पंद्रह मिनट लंच किए पंद्रह बीस मिनट बैठ के रेस्ट किए या फिर लेट गए या फिर थोड़ा सा रिलैक्स कर लिए या फिर एक पावर नैप ले लिए उसके बाद आप चालू कर सकते हो जरूरी नहीं आपको एक घंटा तक ही बैठे रहना है नहीं आप दो दस को चालू कर लो ये एक चीज मैं अमित आपके दिमाग से हटाना चाहता हूँ जो हमारे दिमाग में बैठ जाता है ना ढाई बजे से चालू करूंगा तीन बजे से चालू करूंगा तीन तीस से चालू करूंगा पांच बजे से चालू करूंगा ये जो राउंड ऑफ करने बैठ गया ना हम चीजों को इससे बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता है अगर एक बज के पांच मिनट हुआ या एक बज के सात मिनट हुआ तो हम बोलते हैं चलो एक बीस से चालू करूंगा एक दस से चालू करूंगा ये सब नहीं जब आपको पता है कि भाई आप रेस्ट ले चुके हो अब आपको पढ़ना चालू करना है तो पढ़ना चालू करो ये सब मैटर नहीं करता है ठीक है उसके बाद मैं आपको सीधी सी बात कह रहा हूँ टू थर्टी पी एम से अभी क्या है सबका रेस्ट मोड है घर वाले सब रेस्ट मोड में हैं कोई आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करने वाला है सब रेस्ट मोड में है थक आके सब कोई रेस्ट मोड में आ गए अभी आपको क्या करना है टू थर्टी से लेके मैं तो कहता हूँ सिक्स थर्टी तक लेकिन फाइव थर्टी तक भी आप पढ़ सकते हैं टू थर्टी से लेके सिक्स थर्टी या फाइव थर्टी मतलब यहाँ आपको तीन या चार आवर मिल जाएगा तीन घंटे या चार घंटे आपको यहाँ मिलेंगे सुबह का आपका एक घंटा आप आराम से निकाल लिए ये वाला चार घंटा आपको कंटिन्यूस बैठना है मैं हमेशा प्रेफर करूंगा कि भैया टेबल चेयर लेके बैठे क्योंकि सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल और सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल वही होता है तो टेबल और चेयर लेके बैठे आप ही का बेनिफिट रहेगा तो तीन से चार घंटा आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं समझ में आ रहा है तो लंच प्लस रेस्ट हो गया तो तीन से चार घंटा आपका यहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं उसके बाद उसके बाद आपका आएगा स्नैक्स टाइम स्नैक्स टाइम आ जाएगा स्नैक्स टाइम में फिर मैं आपको यार एक घंटा दे रहा हूँ एक घंटा स्नैक्स टाइम में मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आपको शाम को भूख लग रही है आप कुछ खाना चाहते हैं आप खा सकते हैं थोड़ा सा टीवी देखना चाहते हैं देख सकते हैं थोड़ा सा बाहर टहलना चाहते हैं टहल सकते हैं थोड़ा छत में जाके टहलना चाहते हैं टहल सकते हैं टहलना चाहिए भी क्योंकि इससे आप अपने आप को पहचानते हैं बहुत ज्यादा आप रियलाइज करते हैं कि आप कहाँ कमजोर हैं आपको कौन से पॉइंट पर और ज्यादा फोकस करना है ये सारी चीजें सोचना भी तो जरूरी है सिर्फ पढ़ते रहेंगे तो थोड़ी काम देगा ये सारी चीजें भी तो सोचना जरूरी है ना हमको तो ये सारी चीजें आप रियलाइज भी करते रहते हैं तो ये बहुत अच्छा चीज़ है इसलिए शाम को अपने आप को टाइम दीजिए क्योंकि दिन भर से पढ़ाई करते रहेंगे आपका दिमाग खराब हो जाएगा और ये चार घंटा घंटा वाला कॉन्सेप्ट हटाओ भाई ठीक है जो किया होगा किया होगा आप हटाइए दिमाग से चार घंटे वाला कॉन्सेप्ट एकदम मैं तो कहूँगा कि छः घंटे की नींद लो कुछ लोग सोते होंगे चार घंटे हमको उससे लेना देना नहीं है हमारे पास समय है हम आराम से सोएंगे पीसफुली काम करेंगे ठीक है उसके बाद आपको वापस से सिक्स थर्टी या सेवन थर्टी से वापस लग जाना है आपको अप्रोक्सीमेटली नाइन थर्टी तक दो घंटे की आपको फिर दो घंटा आपको फिर काम करना है दो घंटा आपको फिर काम करना है पहले बता रहा हूँ तो कितना हो गया आपके पास यहाँ पे एक घंटा यहाँ पे चार घंटा यहाँ पे पाँच घंटे उसके बाद तीन से चार घंटे यहाँ पे मतलब आठ से नौ घंटे यहाँ पे फिर दो घंटे तो कितना हो जाएगा दो या तीन जो दो प्लस दो या तीन हो जाएगा ना आठ से नौ या दो से लेकर तीन तो ये हो जाएगा ग्यारह घंटे के आसपास टोटल ग्यारह घंटे आपका कंप्लीट हो गया है रात के बजे हैं साढ़े नौ आपने ग्यारह घंटे की मेहनत कर ली है अब आप सोना कितना है आपको बारह बजे मतलब आपके पास बचे हैं ढाई घंटे साढ़े नौ बजे आप क्या करेंगे डिनर करेंगे डिनर करके थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे मैं फिर भी आपको वहाँ पर भी एक घंटा देता हूँ चलो आप डिनर किए आराम से बैठे थोड़ा देर पापा मम्मी से बात किए भाई बहन से बात किए रिलैक्स किए अपने बारे में उनको बताया कि आप कहाँ प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं आपके साथ क्या हो रहा है आज आपकी क्लास में क्या हुआ टेस्ट में क्या नंबर आया रिलैक्स किया एक घंटा उसके बाद आपके पास बढ़ते हैं डेढ़ घंटे उसके बाद आपके पास बढ़ते हैं डेढ़ घंटे मतलब टोटल साढ़े बारह घंटे आपके पास स्ट्रेट फॉरवर्ड आ रहे हैं अगर आप रिलैक्स करते करते भी पढ़ेंगे तो आपके पास साढ़े बारह घंटे स्ट्रेट हैं और जो रिलैक्सेशन टाइम है वहाँ पे अगर आप टाइम सेव करते हैं तो आपके पास तेरह घंटे ऑलमोस्ट आराम से बचेंगे थर्टीन आवर्स पर डे आपके पास आराम से बच रहे हैं अब आपके ऊपर है आपको कैसे यूटिलाइज़ करना है ये जो टाइम टेबल है मैंने आपको सबसे पहले क्या सिखाया कि आपको दिन में तेरह घंटा निकालने हैं मैंने ये बताया ना कि ड्रॉपर को ड्रापर की कितनी देर क्लास होती है एलैंथ वाले की कितनी देर क्लास होती है ट्वेल्थ वाले की कितनी देर क्लास होती है सारी चीज़ मैंने आपको बताई मैंने आपको ये तक बताया कि आपको दिन के तेरह घंटे कैसे निकालने हैं अब मैं आपको बताया टाइम टेबल अब ये जो जो भी मैं आपको जो जो पॉइंट में मैंने आपको बोला ना कि आप पढ़ाई करेंगे मैंने जो जो पॉइंट पे आपको बोला कि आप पढ़ाई करेंगे वो सारे पॉइंट में आपको डिसाइड करना है कि आप क्लास करेंगे या वहाँ पे होमवर्क करेंगे या रिवीजन करेंगे वो सब आपका टाइम पीरियड है आपको पता है कि आप तेरह घंटे निकाल सकते हो अब तेरह घंटे में आपको पता है कि आपको क्या क्या करना है दिस इज़ द रियल कॉन्सेप्ट मैं हमेशा एक ही चीज़ कहना चाहूँगा अगर आप क्लास कर रहे हैं तो कोशिश करें अपने क्लास का शेड्यूल आपका ऐसा हो कि या तो सारी क्लासेस फर्स्ट हाफ में हो जाए या सारी क्लासेस सेकेंड हाफ में हो जाए मतलब या तो सारी क्लासेस सुबह शुरू हो के दोपहर को दो बजे तक ख़त्म हो जाए या फिर सारी क्लासेस दोपहर को दो बजे शुरू हो के रात को आठ बजे तक ख़त्म हो जाए ये होना चाहिए ये होना चाहिए एक और चीज़ मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा वो चीज़ ये है कि कुछ लोग आपको कहेंगे बारह घंटा पढ़ना थोड़ी ज़रूरी होता है अठारह घंटा पढ़ो कुछ लोग कहेंगे बारह घंटा पढ़ना थोड़ी ज़रूरी होता है पाँच घंटे में हो जाता है काम ध्यान से पढ़ो तो मैं आपको कहता हूँ सबका दिमाग अलग अलग होता है मैं आपको बस ये बताना चाहता हूँ कि आपके पास अगर समय है तो उसको वेस्ट ना करो अगर आपका पूरा दिन का क्लास होमवर्क रिविजन सब अगर आठ घंटे में हो जाता है तो आपके पास फिर भी चार घंटे बचे हैं उस चार घंटे में पहले का रिवाइज कर लो उस चार घंटे में पहले के कॉन्सेप्ट सुधार दो उस चार घंटे में एक्स्ट्रा नंबर ऑफ क्वेश्चन कर लो समझ में आ रहा है ये होना चाहिए आपके अंदर ऐसा नहीं कि बस हो गया तो रिलैक्स करेंगे ठीक है तो दिस इज समथिंग यू हैव टू फोकस ऑन आपको करना पड़ेगा फोकस तो ये है आपका डेली रूटीन ऐसे आपको मैनेज करनी है चीज़ों को तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब करें बेल आइकन पर क्लिक करें लाइक और शेयर कर दीजिए वीडियो को पीडीएफ आप डाउनलोड कर ही सकते हैं थैंक यू सो मच लव यू ऑल टेक केयर जय हिंद जय भारत थैंक यू सो मच